हेलो फ्रेंड। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है, एक 1.01 किलोमीटर लॉन्ग रोड के एक साइड पर 101 प्लांट्स एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पर प्लांट किए गए हैं। तब हमें 5 कंजिक्यूटिव प्लांट्स के बीच के टोटल डिस्टेंस फाइंड करनी है। यह एक बेसिक पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है। बेसिक पैटर्न फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन में दिए गए डेटा के अकॉर्डिंग एक सिंपल डेटा लेते हैं और क्वेश्चन में दी गई कंडीशंस में इस सिंपल डेटा का यूज करके वो बेसिक पैटर्न फाइंड करते हैं। और जब बेसिक पैटर्न फाइंड हो जाता है तब क्वेश्चन में दिए गए डेटा को इस पर अप्लाई कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में एक 1.01 किलोमीटर की लॉन्ग रोड दी गई है। 1.01 किलोमीटर्स या फिर 1010 मीटर्स। इस रोड के एक साइड पर 101 प्लांट्स लगाए गए हैं। यहाँ पर इन सभी कंजक्यूटिव प्लांट्स के बीच की डिस्टेंस सेम दी गई है। हम इनमें से कोई भी 5 कंजक्यूटिव प्लांट्स ले सकते हैं। और हम इन 5 कंजक्यूटिव प्लांट्स को ले रहे हैं। हमें इनके बीच की ये टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर इन 5 कंजक्यूटिव प्लांट्स को देखा जाए तब इनके बीच में 4 गैप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। और बेसिक पैटर्न फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एक 30 मीटर्स की रोड ले रहे हैं जिसके एक साइड पर 3 प्लांट्स प्लांट किए गए हैं। जब हमने यहाँ पर 3 प्लांट्स लिए हैं तब 2 गैप्स हो रहे हैं, 1 एंड 2। 3 प्लांट्स, 2 गैप्स, और इन 2 गैप्स की टोटल डिस्टेंस 30 मीटर्स के इक्वल है, इसलिए 2 गैप्स इक्वल टू 30 मीटर्स हो जाएगा। इसलिए 1 गैप 15 मीटर्स हो जाएगा। अब अगर रोड की लेंथ 40 मीटर्स ले लें और रोड के वन साइड 4 प्लांट्स प्लांट कर दें तब इनमें 3 गैप्स हो जाएंगे, मीन्स यहाँ पर 4 प्लांट्स के बीच में 3 गैप्स हो जाएंगे जो कि इक्वल टू 40 मीटर्स हो जाएगा। इसलिए 1 गैप इक्वल टू 40/3 मीटर्स हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर 3 प्लांट्स के बीच की टोटल डिस्टेंस पूछी जाए तब इनके बीच की टोटल डिस्टेंस 2 गैप्स के इक्वल हो जाएगी, इसलिए 2 गैप्स इक्वल टू हो जाएगा 40/3 × 2 मीटर्स। अब सेम थिंग क्वेश्चन में दिए गए डेटा पर भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में 101 प्लांट्स प्लांट किए गए हैं इसलिए टोटल गैप्स 1 लेस करके 100 हो जाएंगे और इन गैप्स के टोटल डिस्टेंस रोड की टोटल डिस्टेंस मीन्स 1010 मीटर्स हो जाएगा, इक्वल टू 1010 मीटर्स। अब यहाँ से 1 गैप इक्वल टू 1010/100 मीटर्स आ जाएगा। और इन 5 कंजक्यूटिव प्लांट्स के बीच में 4 गैप्स हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसलिए 4 गैप्स इक्वल टू 1010/100 × 4 हो जाएगा जो कि इक्वल टू 4040/100 हो जाएगा। फाइनली इक्वल टू 40.4 मीटर्स आ जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है।